नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टुडे 24 न्यूज पर। मैं आप सभी के साथ भैक शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। मुफ्त जांच, मुफ्त दवा एवं मुफ्त इलाज। राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन के चेयरमैन राजेश सिंह दयाल की सराहनीय पहल, सलेमपुर क्षेत्र में लगवाए फ्री मेडिकल कैंप। राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन के चेयरमैन राजेश सिंह दयाल द्वारा सलेमपुर तहसील क्षेत्र के सलेमपुर कस्बा गांव में 2 दिवसीय मुफ्त मेडिकल कैंप लगवाया गया, जहां लखनऊ के चंदन हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा यहां पर मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। इस कैंप में हर तरह की मुफ्त जाँचें भी की जा रही हैं और जाँच के आधार पर मुफ्त दवाएँ भी दी जा रही हैं। आपको बता दें कि इस मेडिकल कैंप में हजारों की संख्या में मरीज उमड़े हैं और उनकी दवा इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा फ्री में किया जा रहा है। मरीज काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। वहीं मरीजों का कहना है कि इस तरह का बड़ा कैंप कभी नहीं देखा, यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे इस दूर दराज गाँव में राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन के चेयरमैन राजेश सिंह जी द्वारा इतना बड़ा मेडिकल कैंप लगाया गया। उन्होंने हमारे स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखा है, ये अच्छी दवाई अच्छा इलाज मिल रहा है। क्षेत्रवासियों ने राजेश सिंह दयाल को धन्यवाद एवं आशीर्वाद दिया। वहीं राजेश सिंह दयाल ने इस क्षेत्र के लिए 2 बड़े एम्बुलेंस की सौगात दी। ये एम्बुलेंस सेवा पूरे क्षेत्र की जनता हेतु मुफ्त में उपलब्ध होगी। वहीं कैंप में आए एक अस्वस्थ वृद्ध ग्रामवासी को राजेश सिंह द्वारा मुफ्त एम्बुलेंस सुविधा से लखनऊ भेजा गया, जहाँ के प्रसिद्ध चंदन हॉस्पिटल में उनके पूरे इलाज का जिम्मा भी राजेश सिंह दयाल ने स्वयं उठाया। साथ ही राजेश सिंह दयाल द्वारा बताया गया कि मेडिकल कैंप क्षेत्रवासी विभिन्न जगहों पर लगातार चलता रहेगा और मुफ्त में लोगों को जांच, इलाज और एम्बुलेंस की सेवा मिलती रहेगी, जिससे जनता को विशेष लाभ मिल सके। इस सराहनीय पहल से क्षेत्र की जनता राजेश सिंह दयाल को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। उद्देश्य एक ही है कि क्षेत्रवासियों का स्वास्थ्य स्वस्थ रहें, और ऐसे भी बरसात का मौसम है, पीछे भी देखा गया लू से इधर पूर्वांचल में बहुत लोग भरे हैं, तो हमेशा स्वास्थ्य स्वस्थ रहे आदमी, इसके लिए स्वास्थ्य कैंप लगाया जा रहा है क्षेत्र में। क्षेत्रवासी स्वस्थ रहें इसके लिए स्वास्थ्य कैंप लगाया जा रहा है। 2024 की तैयारी को नहीं, देखिए राजनीति अलग चीज़ है और सेवा भाव अलग चीज़ है। ये कैंप शुद्ध रूप से सेवा भाव से लगाया जा रहा है। ऐसे भी देखे होंगे, मैं भाजपा कार्यकर्ता हूं और प्रवासी प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक हूं, लेकिन कहीं भी आपको भाजपा का बैनर नहीं दिख रहा होगा, फाउंडेशन का ही बैनर है और ये शुद्ध रूप से समाज सेवा के उद्देश्य से लगाया गया है, जहां पर कि जनता को इसका लाभ मिले। क्या केवल इस लोकसभा में लगाया जाएगा? नहीं, हर जगह लगाया जाएगा। हम लोग आगे जो है भरहज विधानसभा में भी लगाएंगे, जो इस लोकसभा में नहीं आता है, तो ये तो क्रम है, आगे चलता रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।